तो हम जा रहे हैं इंडिया फॉर दिवाली वेकेशंस, और बाहर बहुत बारिश चल रही है। बैक पैक हो चुकी है, रेडी भी हो चुकी हूँ मैं, अजीत जी की राह देख रही हूँ। और हमने टैक्सी बुक कर ली है, हम जा रहे हैं चेन्नई एयरपोर्ट। और जो आपको दिख रहा है ये अराइवल गेट है टर्मिनल 2 का। तो जब हम इंडिया से बैक वापस आएंगे तो हमें यहाँ से एग्ज़िट करना होगा। जा रहे हैं डिपार्चर गेट, जो अराइवल गेट, जो टर्मिनल 2 का अराइवल गेट है, जो मैंने अभी दिखाया था उससे एग्जैक्ट ऊपर है। और अभी हम पहुंच गए हैं। हम लगेज चेक इन कर रहे हैं, और आगे जो आपको दिख रहा है डिपार्चर गेट, यहाँ पे सीधा अपना पासपोर्ट स्कैन और अपनी टिकट स्कैन करनी होती है। तो मैं पास से तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट दूर से मैंने बैक साइड से रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ सभी ब्रांड्स के शॉप्स हैं, और ये टर्मिनल 2 से अच्छा टर्मिनल 3 है, बट टर्मिनल 2 थोड़ा छोटा है। तो जब भी हम कभी टर्मिनल 3 से ट्रैवल करेंगे तो मैं शूट करने की कोशिश करूँगी। अभी हमने डिसाइड किया कि हमारे पास टाइम है, तो फिर हम सनफ्लावर गार्डन चले जाते हैं। ये सनफ्लावर गार्डन हर एक टर्मिनल पर है, तो बारिश होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा काम भी चल रहा था और फ्लावर्स भी ज़्यादा कुछ फूले नहीं थे।
बहुत लेट वीडियो में दिख रही हूँ, लेकिन उसका एक रीज़न है कि मैं मेरा जो ब्लूटूथ हेडफोन है वो भूल चुकी हूँ घर पे, और मेरे गले में भी थोड़ी सी खराश थी, और हर यहाँ मतलब साउंड होने के कारण मैं बोल नहीं पाई। मैंने शूट किया है और इसीलिए मैंने बैकग्राउंड साउंड डाला है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम सिंगापुर से निकले थे हम 8:30 बजे, एक्चुअली हमारी 7 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन बारिश के कारण हमारी डिले होकर हम 8:30 बजे की फ़्लाइट ले चुकी थी, और 8:30 बजे हम जब निकले तब इंडिया में 6 बजे थे, और हम यहाँ पहुँचे एज पर द टाइम सिंगापुर टाइम 1 बजे, और हाँ तब यहाँ बजे थे 11:30, बट हमें थोड़ा हमारा जो लगेज था वो डायरेक्ट लगेज नागपुर जाने वाला नहीं था, इसलिए हमें फिर से उसे कैरी करना पड़ा और फिर से चेक इन करना पड़ा, इसीलिए हमारी बहुत भागदौड़ हो गई। इसलिए मैं अभी हम लॉन्च में आए हैं, तो हमारी फ़्लाइट कितने बजे थी, 5:30 की फ़्लाइट है, तो अभी बज रहे हैं यहाँ पे 2, तो इसलिए हमें भूख भी लग गई थी, फिर इसलिए हमने एयरपोर्ट का लॉन्च में आए हैं। यहाँ थोड़ा रिलैक्स होते हैं और यहाँ पे खाना भी खाते हैं, तो यहाँ हमने थोड़ा नहीं बहुत कुछ डिनर के जैसा मंगाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये सैलेड है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे पूरे बीन्स लिए किए हैं, और ये लेटस के लीव्स है, और ये कुछ रोल है। अजीत जी ने 2 टाइप्स ऑफ राइस, मिक्स वेज चपाती सॉरी नान एंड स्प्राउटेड बीन्स वाटरमेलन, एंड मैंने 2 बनानास एंड मिक्स वेज एंड चपाती, तो ये सब मंगाया है, ये सब हमने यहाँ से लिया है। तो यहाँ पे हम अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, मतलब ये सब कैसे मिला, तो कार्ड असिस्ट से हमें लॉन्च का असिस्ट मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे हमको खाने के लिए उनकी जो जो आइटम होते हैं वो हिसाब से ये सब मिलता है। तो हमने अभी यहाँ रात के बज चुके हैं 2, और शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम इतने रात को खाना खा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने खाया था शादी में खुद के, और अभी मैं खा रही हूँ यहाँ एयरपोर्ट पर। थोड़ा सा मुँह में टेस्ट अलग है, लेकिन फिर भी बहुत भूख लगी है, तो चार्ज नहीं रहने के कारण मैं लैंडिंग का वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो जब मैं रिटर्न आऊँगी तो मैं वो वीडियो पूरा शूट करूँगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू गाइस।